हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी मिस है, वो गायब है, उसे हमें ढूंढना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 14.1, द मेन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि कहाँ मिसिंग है और कौन मिसिंग है। तो वो अगर मैं हाईलाइट करूँ इसको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, तो ये मुझे मिली मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसे हमें ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो मीन ऑलरेडी गिवन, ये मीन हमें पता होना चाहिए वो कितना है, वरना हम कैसे ढूंढ पाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं सम मिसिंग फ्रीक्वेंसी, नो प्रॉब्लम। वी हैव पहले तो हम ये टोटल समेशन कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई कितना। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो पहले लिख लीजिए, एफ प्लस ये टोटल कितना होगा। आप टोटल के 7 + 6 = 13, 2 + 26, 26 + 9 = 35, 40 and 44। So, F plus 44 is our sigma Fi, is our sigma Fi। अब बहुत मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ, देखिए, अगर missing frequency है, तो missing frequency के जो रो है, उसमें ही मुझे mid point है, उसको मैं लूँगा assuming। Assuming मुझे कहाँ लेना है missing frequency, जहाँ वो दिखाई दे, वही टेबल में हमें यह रखना है। तो यानी कि मैं ये जगह पे मैं मेरा एज्यूमिंग लेना है, जहां मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहीं पे एज्यूमिंग ले लो। ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट ये है यहां पे ले रख सकता हूं, आप कहीं पे भी ले सकते हो एज्यूमिंग। मैंने बोला आप जो भी लेना ले सकते, लेकिन इजी वे ढूंढना है हमें, इजी वे यानी कि जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका मिड पॉइंट ढूंढ लो लिमिट्स का। तो 19 और 21 का मिड पॉइंट आएगा 20, ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। अब अगर ये जो हाइट है, क्लास हाइट अगर सबका सेम है, देख लीजिए 13 + 2, 15 + 2, 17 + 2, सब में 2, 2, 2 है, यानी कि क्लास का हाइट सबका सेम है, एच इज ऑल इक्वल फॉर दिस सम, देन वी कैन टेक ब्लाइंडली यहाँ पे जीरो ले लो और फिर गाना गाओ 1 2 3 1 2 3, ऊपर माइनस नीचे प्लस 1 2 3, यानी कि ऊपर वाला आएगा यू आई माइनस वन, नीचे वाला आएगा प्लस 1 और 2। वाह, ये फॉर्मूला में रख के चेक कर लो तो ये सब आपको मिलेगा 1 2 3। क्यों 1 2 3 आएगा, ये जो है एच सबका सेम है, इसलिए 1 2 3 के फॉर्म में आएगा। अब मुझे क्या करना है, Fi into Ui -28 - 18 - 18, ये मल्टीप्लाई करना है, 13 - 1 - 13, ये हो गया 0। यही तो सबसे अच्छा हमें फायदा मिलने वाला है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 मिल गई मुझे, वरना आपको एफ के फॉर्म में ऐसा लिखना पड़ता, वो निकल गया सर 5 * 5 and 4 * 8। आप वैसे ये चेक कर लो कि ये 13 - 13 ये कट हो गया, तो मुझे इतना ही लिखना है, तो कितना होगा 8 * 3 = 24, carry forward 2, 2 + 2 = 4, 5 and 6, यानी कि -64 is your sigma Fi U। पता चला आपको, ये -13 ये +13 कट हो गया और ये हमें ऐड करके, यानी ये हमने 64 माइनस। तो अब जो मेरा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है, ये स्टेप डेविएशन का, स्टेप डेविएशन में मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक तो ये हमारे पास एक्स बार ऑलरेडी गिवन है, कितना है 18, एक्स बार ऑलरेडी 18 है,
उसके बाद आएगा एज्यूमिंग, एज्यूमिंग कितना लेना है मुझे 20 लेना है, यानी कि a इक्वल टू 20। उसके बाद आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -64। देन सिग्मा एफ आई कितना है f प्लस 44। देन लास्ट h, h कितना है h h h h h h इज इक्वल टू 2। तो अब हमें फॉर्मूला लिखना है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू h। ये हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला याद आया आपको? हाँ, इसमें अब वैल्यू मुझे पुट करना है, x बार इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 20, सिग्मा एफ आई यू आई -64, सिग्मा एफ आई एफ प्लस 44, h इज इक्वल टू 2। तो ज्यादातर बच्चों को का यहां से थोड़ा जो डिराइव करना है, ये f प्लस 44 लाना है, थोड़ा उनको तकलीफ रहता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये इधर जाएगा, तो 18 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या है, राइट साइड में क्या है -64 इंटू 2, नीचे f प्लस 44। इसको ब्रैकेट में डाल, इसको किस में डालना है, ब्रैकेट में डाल के रखो, आपका जो है तकलीफ नहीं रहेगा और इजी पड़ेगा। तो अब 18 माइनस 20 यानी कि -2, ये मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी रखा है 1 माइनस 120, यही आ सकता है ना, नहीं लिखना नहीं है अभी। तो अब क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तब क्या आएगा, अभी यहाँ पे -2 इंटू एफ प्लस 44 इज इक्वल टू -64 इंटू 2। तो ये 2 2 कट हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हो, सो f प्लस 44 इज इक्वल टू 64, सो f इज इक्वल टू 64 माइनस 44, आवर आंसर इज f इज इक्वल टू 10। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। समझ में आया आप लोगों को? तो मेन मुद्दे के बाद क्या करना है, जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पे एज्यूमिंग लेना है, वहां पे ही एज्यूमिंग लेना है। चलो हम बात करते हैं टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी की। वेलकम टू प्रजा क्लास, आज हम बात करेंगे वापिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। तो ऐसा हम जो है आपकी NCERT बुक में नहीं है, लेकिन कई बार जो पिछले साल के जो CBSE क्लास में बोर्ड में ऐसे पूछते हैं सब, इसलिए हमने एक प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिया है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 148। मींस मीन यानी कि एक्स बार इज गिवन, एक्स बार इज 148 एंड 100 इज टोटल ऑब्जर्वेशन, मीन्स सिग्मा एफ आई इज 100। तो पहला मेरा शुरुआत जो है स्टार्टिंग यहां से ही होगी, बिगिनिंग, कि अगर सिग्मा एफ आई 100 गिवन है तो मीन ये सबका टोटल लगाएंगे हम इसका, कि पूरा टोटल लगाने से पहले मुझे ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट करना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट इसलिए करना है कि वही हमें ढूंढना है। तो मैं यहां लिखता हूं F1 प्लस F2, टोटल लगाता हूं F1 प्लस F2, तो फिर 15 15 30 20 50 10 60 और ये 2 62, ये टोटल कितना है 100, टोटल 100 गिवन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन।
तो F1 plus F2 कितना मिलेगा, यानी कि ये और ये सब्ट्रैक्शन होगा, तो F1 plus F2 100 minus 60 40 minus 2 38, so sum of this missing frequency is 38, तो हमें अब आगे बढ़ना है। मैंने आगे बोला था कि जहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहां पे ही एज्यूमिंग लेना है, लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि यहां तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो मैं एज्यूमिंग कहां लू। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक जगह पे आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए एज्यूमिंग ले सकते हो, समझे। तो मैं यहां पे ये जो है यहां पे मैं एज्यूमिंग लूंगा। अब एज्यूमिंग के लिए मुझे मिड पॉइंट में से मुझे मिलना चाहिए एज्यूमिंग, तो ये 100 and 149, दिस इज अ बाउंड्री, दिस इज नॉट लिमिट। ये आपने देखा, ये एक एक ऐसा गैप है, यानी कि ये बाउंड्री है, लिमिट नहीं है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड पॉइंट के लिए ये टोटल करना पड़ेगा मुझे, 100 प्लस 149 बाय 2, तो क्या होगा 249 बाय 2, यानी कि मेरा इसके मिडल आएगा 124.5। ये हो गया मेरा एज्यूमिंग A इज इक्वल टू 124.5। बाकी जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर सम। तो सेकंड स्टेप अब क्या है, ये हमने सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, एज्यूमिंग भी ले लिया, अब यूआई करना है, देखना है यूआई के लिए ये हाइट सबका सेम है, वो चेक कर लो पहले, हाइट सबका सेम है, हाइट 50 है, एच कितना है, एच एच इज इक्वल टू 50। चलो तो अब जहां पे मैंने एज्यूमिंग लिया है वहां पे यूआई जीरो आएगा, कौन से फॉर्मूला से, एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये फॉर्मूला से ये जीरो होगा। फिर क्या करना है, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, यानी कि 1 2 3 1 2 3, ऊपर माइनस नीचे प्लस 1 2 3, ये हो गया। तो अब मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, माइनस 20, 15 1 - 50, ये फायदा रहता है यहां पे एज्यूम लेने का, ये जीरो हो गया, एफ वन इंटू जीरो जीरो हो गया, 20 1 - 20, 15 2 - 30, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास, F2 into 3, तो क्या हो जाएगा ये 3F2, ये क्या है X into 3 कितना हो गया है 3X, उसी तरह ये हो जाएगा 3F2, अब 4 2 - 8, तो अब मेरे पास ये टोटल करना है मुझे, ये टोटल करना है, टोटल करने के लिए ये है अलग है थोड़ा, ये प्लस में है इसलिए मैं क्या करता हूं, ये पहले लिख देता हूं, 3F2 ये पहले लिख लिया। चलो अब तो ये माइनस वाले कितने हो गए 35, बाकी ये प्लस वाले 3F2 तो लिख दिया, प्लस वाले कितने हैं 58, 3F2 प्लस 58, उसमें से माइनस 35 सबट्रैक्ट करना है, तो क्या बचेगा देखते हैं, ये अगर मैंने सबट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, 3F2 8 - 5 3 5 - 2 3 2 3F2 plus 23, ये क्या मिला मुझे, सिग्मा एफ आई यू आई 3F2 plus 23। चलो अब मुझे ऑल द वैल्यू आई पुट इन द इक्वेशन ऑफ द स्टेप डेविएशन, तो फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इनटू एच। तो मेरे पास एक्स बार कितना है, एक्स बार 148, एज्यूमिंग कितना है 124.5, सिग्मा एफ आई यू आई 3F2 plus 23 एंड
सिग्मा एफ आर 100, सिग्मा एफ आर इज 100 इंटू एच हाइट, हाइट कितना है 50 है। जो ये प्लस साइन है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल लो और ऐसा बोला करोगे इफ दिस इज अ टू टर्म देन वी कैन कॉल इज द्रौपदी। तो द्रौपदी को हमने साड़ी पहनाना चाहिए। चलो तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, पहले तो मैं इसको ये काट देता हूं, कितना होगा 15 टू से 100। अब ये इस साइड माइनस में जाएगा, सो 148 माइनस 124.5, तब डिवीजन में क्या बचा मेरा 2, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 3f2 प्लस 20, राइट। अब ये सब्ट्रैक्शन कितना, ज्यादातर बच्चे यहां पे थोड़ा सा गलती कर देते हैं कि 48 माइनस 24 लिख दिया, अरे गलत है, 23.5 है 23.5 into 2 is equal to 3f2 plus 23 by 2 drupadi ko sari pehna do chalo ab ye 2 se multiply hoga 23.5 into 2 is equal to 3f2 plus 23 so now the multiply with 2 we get 47 कितना बचेगा 24 is equal to 3f2, 3 से कट करेंगे यानी कि 8 3 जा और 3 into f2 ये 3 3 cut, so we get f2 is equal to 8. We put this value in f1 plus f2. We have summation of this missing frequency. f1 plus f2 is equal to 38. So we can put the value of f2 8 and easily get the value of missing frequency. So lastly, write down the answer, F1 is equal to 30 and F2 is equal to 8. This is the 2 missing frequency. अगर आपको यहाँ पे assuming अगर यहाँ लेना है तो आप यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ missing frequency है वहाँ assuming लेना easy रहेगा, वरना आपका calculation और increase हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि सिग्मा एफ आई की जगह ये लिख लेते हैं पूरा, यहाँ पे ये f1 plus f2 62 यानी कि उनका कैलकुलेशन और बढ़ गया। तो थोड़ा आप अपना माइंड का यूज करो तो कैलकुलेशन इजी रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। ओके okay?